आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट नंबर 7 करेंसी कन्वर्टर। आपको टाइपस्क्रिप्ट कंसोल एप्लीकेशन का यूज करना है ना, यहाँ पर आपने करेंसी कन्वर्टर्स को क्रिएट आउट करना है। जो भी हमारी अमाउंट ऑफ मनी होगी हम उसको एक करेंसी में सेट करेंगे एंड देन हम उसको दूसरी करेंसी के अंदर यहाँ पर चेंज आउट करेंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हमने वेरिएबल्स, लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, इस तरीके की चीजों की यूटिलाइजेशन करनी है इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती चलूं कि हम यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमने जो है वो PKR से डॉलर में अगर अपना प्रोजेक्ट कन्वर्ट करना है, करेंसी को कन्वर्ट करना है, तो अगर हम सर्च करें 1 PKR इन डॉलर तो यू कैन इजीली सी के 0.0036 USD से डॉलर जो है वो इस वक्त 1 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो है वो कन्वर्जेंस को टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट PKR एंड साथ में ब्रिटिश पाउंड्स को जो है वो कंसीडर आउट करूंगी। मैं आपको यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश पाउंड भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाए। तो हम यहाँ पर GBP लिख देते हैं ताकि हमारे ब्रिटिश पाउंड जो होते हैं उसके अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। तो ब्रिटिश पाउंड में जो 1 रुपीज है वो 0.0029 के पाउंड के जो है यहाँ पर इक्वल है। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी कन्वर्जन को क्रिएट आउट करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने वीडियो स्टूडियो कोड को ओपन अप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने हमें खुद से ही बताया था कि वेरिएबल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह को यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इंक्वायरर की इंस्टॉलेशन करेंगे, जिसके लिए आपने अपने टर्मिनल को ओपन अप करना है। ओपन अप करने के बाद आप यहाँ पे कमांड लिखोगे npm install inquirer। आप जैसे इसको लिखकर इंटर करोगे आपका जो इंक्वायरर होगा वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड आउट होना शुरू हो जाएगा। देन आप यहाँ पे इसके फंड इंस्टॉल करोगे, जिसके लिए आपने npm फंड को लाजमी लिखना है यहाँ पर, ताकि इसकी जितनी भी फंडिंग हो वो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल हो जाए। इस पूरे प्रोसेस के बाद हम अपने CMD को क्लोज कर देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑटो सेव के ऊपर इसको कंपाइल किया हुआ होता है, तो आपने ऑटो सेव पे कंपाइल नहीं करना, आपने यहाँ से लाजमी सेव के बटन पे क्लिक करना है ताकि आपका इंक्वायरर यहाँ पर वर्किंग करे। इस प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहले पार्ट में करेंसी कन्वर्टर रेट बताऊंगी, देन हम अपने इंक्वायर पर बात करेंगे, लास्ट में अपने तीसरे पार्ट के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट का आउटपुट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप है कि हमने करेंसी कन्वर्जन रेट्स को यहाँ पर डिक्लेयर करना है। उससे पहले क्योंकि हमने इंक्वायर को अभी भी यहाँ पर कंसीडर आउट किया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंक्वायर को इम्पोर्ट करवा लेते हैं ताकि हमारा जो भी काम हो वो यहाँ पर आसानी से होता चला जाए। अब जो है क्या कहते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कंसीडरेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इन PKR जो है वो सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम यहाँ पे लेटर रेट्स जो है वो क्या लिख रहे हैं। वेरिएबल लेंगे एक लेट का और मैं यहाँ पर कन्वर्जन के नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगी। मैं कहती हूँ मेरी जो भी कोई कन्वर्जन है वो यहाँ पर बराबर होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं जो वैल्यूज प्रोवाइड आउट करूंगी वो मैं सब के सब हमारी कन्वर्जन के रेट के अकॉर्डिंगली दूंगी। जैसे कि मैंने सबसे पहले किसको टारगेट करना है, सबसे पहले मुझे PKR को टारगेट करना है, तो PKR को टारगेट करते हुए मैं सबसे पहले PKR की वैल्यू उस ब्रैकेट्स में देना शुरू करूंगी। PKR में से क्योंकि हमने बाकी जगहों पे कन्वर्जन करानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर उनको डिक्लेयर करना होगा। जैसे कि मुझे USD में करानी है तो मैं USD को डिक्लेयर करूंगी। USD की जो भी वैल्यू थी, जैसे कि हमने देखा था 0.0036 हमारी वैल्यू थी, तो हम को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर GBP की वैल्यू देखी थी, तो वो भी आपने यहाँ पर देखी थी कि हमारे पास कितनी वैल्यू है, तो उसको भी हम यहाँ पर इसी तरीके से मेंशन आउट कर देंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें यहाँ पर कि हमारे पास जो डेटा टाइप रहेगी इस प्रोग्राम के अंदर वो रहेगी नंबर्स। हम नंबर्स की डेटा टाइप के ऊपर बात करेंगे। दोनों चीजों को डिक्लेयर करने के बाद लास्ट में आपने यहाँ पर जो भी आप कन्वर्जन करा रहे हो उसका भी यूनिट जो है वो डिफाइन आउट करना है, यानी कि ये 1 PKR के इक्वल है, तो हम 1 PKR के इक्वल इसको यहाँ पर कंसीडर आउट कराएंगे। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका पैकेट है यहाँ पर आपने इसको कॉमा लगा के लास्टली क्लोज करना है। सबसे पहले जो हमारी PKR की यहाँ पे कन्वर्जन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने ब्रिटिश पाउंड की कन्वर्जन करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए इन GBP, ताकि आप वो बता रहे कि हमने GBP में कन्वर्जन करनी है। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, रिपीट करते हुए क्या करेंगे यहाँ पर GBP के लिए
कंसिडरेशन को क्रिएट आउट करेंगे। यहाँ पे बात करें जीपी की कंसिडरेशन की, तो हमने इसे भी जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर करना होगा। इसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे अपने यूएसडी के लिए। तो सबसे पहले यूएसडी को प्रोवाइड आउट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, वैल्यूज जो है वो मैं डायरेक्ट लिखूंगी, आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंगली गूगल से भी चेकआउट कर सकते हैं, बट मैं वैल्यूज जो है वो आप डायरेक्टली डिक्लेयर आउट कर दूंगी। इसके साथ साथ हमारे पास पीकेआर अवेलेबल है, तो पीकेआर की वैल्यू भी हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर ली। एंड साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम जीबीपी को टारगेट कर रहे हैं, तो हम जीबीपी के वैल्यू जो होंगी वो क्या प्रोवाइड आउट करेंगे, वो हम यहाँ पे 1 प्रोवाइड आउट करेंगे। इसी तरीके से लास्ट में आपने अगेन कॉमा की यूटिलाइजेशन करनी है। लास्ट में हमारे पास जो है वो यहाँ पर डॉलर्स रह गए हैं, तो हम यहाँ पर अब डॉलर्स में इसको डिफाइंड आउट कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली हमने हमारी तीनों जो टारगेटेड कंट्रीज थी, हमने जो है वो उसको यहाँ पर कंसीडर आउट कर दिया। आप अगर चाहें तो आप जो है ग्लोबली भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं आपको उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना नहीं बता रही हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन बता रही हूँ हमारे पास, कि हम जो है इसे किस तरीके से कंसीडर आउट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके वैल्यूज होंगे वो आप गूगल से देख के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को फॉलो करते हुए भी आप इनको मेंशन आउट कर दीजिए। जेपी के आगे पर हमने जीबीपी की वैल्यू दी जो कि 0.83 की वैल्यू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि आपको पता है कि हम यूएसडी को टारगेट कर रहे हैं, तो यूएसडी यहाँ पर हमारे पास बन रहेगा। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आपने इस तरीके से कंसीडर आउट करते चले जाना है। हमारा जो पहला स्टेप था यहाँ पर तीनों के तीनों करेंसी की कन्वर्जन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ आएंगे, जिसके अंदर मैं यहाँ पर स्टेप टू को मेंशन करूंगी और यहाँ पर सिंपल मैं लिखती हूँ यूजिंग इंक्वायरर। अब हम अपने इंक्वायरर को यहाँ पे कंसीडर आउट कराएंगे। अच्छा, इंक्वायरर की कंसिडरेशन आपने क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी पढ़ी है, तो यू कैन इजीली नो कि हम यहाँ पे अवेट के फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं। जब भी अवेट का कोई फंक्शन यूटिलाइज किया जाता है, तो आपको पता होता है वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ और उस कॉन्स्टेंट वेरिएबल को मैं एज एन आंसर डिक्लेयर करती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस स्टेप में मैं सबसे पहले अवेट के फंक्शन को कॉल करूंगी, साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो करेंसी मैंने सेलेक्ट करनी है वो डिक्लेयर करूंगी और जिस करेंसी में कन्वर्जन करनी है वो भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए आंसर की, और मैं यहाँ पर एक चीज जो है वो इसके अंदर बताऊंगी। चीज क्या बताऊंगी कि फॉर्म एंड टू की जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म बताती हूँ एंड देन मैं यहाँ पर पीकेआर से शुरू करती हूँ। मैंने पीकेआर से शुरू किया, अब इसके बाद ना यहाँ पर आपको एक सैंपल यूज करना होगा जो कि कहलाता है वर्टिकल बार का सैंपल। आप अपने कीबोर्ड के थ्रू भी इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सैंपल वर्टिकल बार जो है वो यहाँ पर गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो ये सैंपल आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दिस इज द वर्टिकल बार सैंपल, आप इसको गूगल से आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस पीकेआर के बाद में इस वर्टिकल बार के जो सैंपल है इसको पुट करते हैं। इसका मतलब होता है कि पीकेआर भी है, साथ ही साथ आगे जाकर मैं अपना यूएसडी मेंशन करूंगी और उसके बाद दोबारा से इस बार को डिक्लेयर करूंगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिर में मैं अपने जीबीपी को मेंशन आउट कर दूंगी। तो इसमें क्या है कि अगर पीकेआर है वो यूएसडी या जीबीपी में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर जो क्या कहते हैं मेरे पास टू की वैल्यू आएगी वो भी अगर इसी सेम प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट आउट हो रही है, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल बस मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, सेम ही कोड आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, फ्रॉम एंड टू का जो फंक्शनिंग थी ना वो हमने कॉल की है अपनी कन्वर्जन रेट के लिए। चाहे मैं पीकेआर सेलेक्ट करूँ, यूएसडी सेलेक्ट करूँ या जीबीपी सेलेक्ट करूँ, आपने फ्रॉम एंड टू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्किंग करनी है। अब क्या होगा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टाइप स्ट्रिप को करते हुए डेटा टाइप डिक्लेयर करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। डेटा टाइप में मैं क्या कहती हूँ कि जो भी मेरा अमाउंट होगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो यहाँ पर नंबर के बराबर होगा। आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि मेरा जो भी कोई अमाउंट यहाँ पर आएगा, यानी कि जितने हम नंबर्स पे काम कर रहे हैं, तो वो किस चीज के इक्वल आएगा, वो हमारे पास यहाँ पे नंबर के इक्वल आएगा। अब हम यहाँ पे अपने अवेट का फंक्शन कॉल करेंगे ना, इसके साथ आपको पता है कि हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के फंक्शन के अंदर हम सारी की सारी चीजों को
इन एन एरे डिक्लेयर्ड करते हैं। तो यहाँ पर अब जो है मैं एरे क्रिएट आउट करूंगी। एरे किस चीज से क्रिएट आउट करूंगी वो भी बता देती हूँ। एरे बेसिकली ये जो फॉर्म एंड टू की वैल्यूज होंगी हम इसके लिए डिक्लेयर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके लिए डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले अपनी फ्रॉम टाइप के लिए एरेस को डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स लेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर आपको पता है हम क्या चीज बताते हैं, सबसे पहले टाइप बताते हैं। टाइप जो भी होती है वो आपको पता है कि लिस्ट के अंदर कंसीडर की जाती है। देन आपने यहाँ पे नेम देना होता है क्योंकि आप प्रीवियसली सारे प्रोजेक्ट्स बनाकर आए हैं, सो यू कैन इजिली नो कि ये सारी चीजें किस तरीके से मैटर करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, हम जो है वो चॉइसिस प्रोवाइड करते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि चॉइसिस को कंसिडर कर लेते हैं और चॉइसिस के बाद हम मैसेजेस को डिक्लेयर करें। चॉइसेस हमेशा एरे के अंदर जो है वो बताई जाती हैं। तो हमारे पास चॉइसेस क्या है, हमारे पास चॉइसेस जो है वो पी के आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। इसके साथ साथ जो है मेरे पास यूएसडी की चॉइसेस हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम जीबीपी को टारगेट करें। मैं सिर्फ तीन ही यहाँ पर चॉइसेस को टारगेट कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा को टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली टारगेट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे मैसेजेस को जो है वो डिक्लेयर आउट करते हैं। ये वाली कमांड नहीं आएगी लाइक दिस, हम अपना मैसेज जो है वो डिक्लेयर आउट करेंगे। मैसेज आपको पता है स्ट्रिंग में डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिलेक्ट योर करेंसी। सबसे पहले चीज मुझसे क्या पूछेगा ये कि आप अपनी करेंसी को सिलेक्ट आउट कीजिए। अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर चॉइसेस वगैरह के अंदर आपने लाजमी जो है वो अपने फॉर्मास की यूटिलाइजेशन करनी है। इसी तरीके से जब फॉर्म का प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो लास्ट में हम जो है वो एक अदद फॉर्मा की डिक्लेरेशन करेंगे। इसी पूरे प्रोसेस को जो है वो यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। लिस्टिंग का प्रोसेस होता है बेसिकली ये किस चीज के लिए, हमारे टू के जो फंक्शन है उसके लिए। तो हम अगेन यहाँ पे टाइप में जाते हैं, मैं अगेन से लिस्ट को कॉल्ड आउट करती हूँ। उसके बाद अब जो मैं नेम डिक्लेयर करूंगी वो क्या डिक्लेयर करूंगी, वो आपके टू डिक्लेयर करने वाली हूँ क्योंकि हमने पहले फॉर्म पे यहाँ पर बात की थी। एंड देन आपकी चॉइसेस जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। तो हम सिंपली इसको इसी तरीके से पेस्ट कर लेंगे। एंड देन आपने यहाँ पे एक अदद मैसेज डिक्लेयर करना है। पहले हमने करेंसी सिलेक्ट किया, अब हम अपनी क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट योर कन्वर्जन करेंसी, यानी कि अगर मैंने जो है क्या कहते हैं वो यूएलडी सिलेक्ट किया है तो उसको मुझे अगर पी के आर के अंदर शिफ्ट करना है तो इस वाले कमांड के थ्रू यहाँ पर हम उसकी वर्किंग को डिक्लेयर करेंगे। एंड में आपने लास्ट में जो है वो कॉमा की यूटिलाइजेशन करनी है अपनी लिस्टिंग को कम्प्लीट करते हुए। दोनों चीज हमारे पास यहाँ पर हो गई कि हमने जो है वो कौन सी करेंसी से कौन सी करेंसी के अंदर शिफ्टिंग करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर कि करेंसी तो सिलेक्ट कर ली, अमाउंट जो कन्वर्जन अमाउंट होता है वो क्या होगा, ठीक है। तो हम जो है उसके लिए भी यहाँ पर कंसिडरेशन कर लेते हैं। तो मैं सिंपल कॉमेंट कर देती हूँ कन्वर्जन अमाउंट ताकि आपको याद रहे। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम लिस्टिंग को ही क्रिएट आउट करेंगे। अगेन मैं टाइप में जाती हूँ तो अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमने जो यहाँ लाइन नंबर 44 के अंदर अमाउंट डिक्लेयर किया था ना नंबर के इक्वल, अब हम इसको कॉल करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप क्या लिखूंगी, यहाँ पर सिंपल नंबर को जो है वो मैं डिक्लेयर करूंगी। अच्छा इसको स्ट्रिंग में जो है वो डिक्लेयर आउट करेंगे हम, क्योंकि हम डेटा टाइप नहीं बता रहे कि अमाउंट क्या होगा, वो जो है बेसिकली एक अदद नंबर होगा। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम नाम यूज करेंगे। नाम हमने उसको क्या नाम दिया, हमने उसका नाम दिया अमाउंट है, तो हमने अमाउंट लिखा है। साथ में हमने क्या करना होगा, हमने सिर्फ मैसेज प्रोवाइड आउट करना होगा क्योंकि अमाउंट में तो किसी किस्म की कोई चॉइसेस नहीं होती। अगर आप अमाउंट में भी चॉइसेस डालना चाहते हैं जिस तरीके से हम एटीएम के अकॉर्डिंगली चॉइसेस को देते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर एड आउट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, 1000, 2000, 3000, 4000 अप टू यू। बट मैं सिंपल जो है वो अमाउंट रखूंगी। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर योर कन्वर्जन अमाउंट, ठीक है। जो भी मेरा कन्वर्जन अमाउंट होगा उसको यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर आउट कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा पूरा जो प्रोग्राम होगा जिसके अंदर मैंने इंक्वायर को कॉल किया, टू एंड फोर के लिए यहाँ पे वर्किंग किया, वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने
आउटपुट को चेक करेंगे एंड आउटपुट को चेक करते हुए हम यहाँ पर अपने कंसोल लॉग की यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये हमारा स्टेप थ्री रहने वाला है, तो उसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ स्टेप थ्री आउटपुट करके, ताकि आपको पता रहे कि हमने यहाँ पे आउटपुट डिक्लेयर करना है। आउटपुट डिक्लेयर करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि हम जो भी आउटपुट लेते हैं वो क्या होगा, वो कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि अभी हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू डिक्लेयर की थी ना, तो अगेन मैं एक कॉन्स्टेंट का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने पैरामीटर्स को करेंगे, जिसके अंदर मैं कहूंगी कि मेरा जो फ्रॉम है, मेरा जो टू है और मेरा जो भी अमाउंट है यहाँ पर, ये जो मेरी तीनों चीजें हैं किस चीज के बराबर है, ये तीनों चीजें मेरे पास आंसर का जो मेरा वेरिएबल है उसके बराबर है। तो इस बात को हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेकआउट करना है कि हमारे जितने भी यहाँ पर इनपुट है वो हमने प्रोवाइड आउट किए हैं। हम चेक इनपुट इन गिवन प्रोग्राम्स करे कॉमेंट कर देती हूँ, ताकि आपको पता रहे, यानी कि फ्रॉम टू और अमाउंट तीनों चीजें मैंने प्रोवाइड की हैं या मैंने नहीं की, क्योंकि इन्होंने जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट आउट किया था, आपने देखा था, इन्होंने कहा था कि इफ एल्स की जो हमारे पास यहाँ पे लूपिंग होती है हमने बेसिकली वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ एल्स की लूपिंग को क्रिएट करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर, यानी कि इफ मेरा फ्रॉम जो है वो यहाँ पर, आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े एंड के, तो उनको हम यूज करेंगे एंड के साथों साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर अगर अमाउंट के साथ, तो वही बात है जो भी मैंने ऊपर की तरफ डिक्लेयर्ड आउट करी है। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने एक अदद फॉर्मूला का यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या होगा वो हम बताते हैं यहाँ पर। जो बात मैंने ऊपर यहाँ पर लाइन नंबर 72 में डिक्लेयर करी है, सेम इसी बात को मैंने लाइन नंबर 76 के अंदर डिक्लेयर किया है, बट कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं इफी कंडीशन में कॉमा लगाऊंगी तो चीजें सारी की सारी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, उनका मतलब वो नहीं निकलेगा। हमारे कहने का मतलब ये कि फ्रॉम और टू और अमाउंट, ये तीनों जो चीजें हैं वो आंसर की इक्वल है। तो इस चीज को हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड के थ्रू कंसीडर कराया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, तीनों चीजें आंसर की इक्वल हुई, जो भी कोई आंसर होता है उसका क्या होता है, कोई ना कोई रिजल्ट होता है। तो एक वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पे रिजल्ट के नाम से, और मैं कहती हूँ कि मेरा जो भी कोई रिजल्ट का यहाँ पर वेरिएबल है वो किस चीज के इक्वल होगा, वो होगा कन्वर्जन के। अब कन्वर्जन क्या होगी वो बतानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी चॉइसेस जो होती हैं वो बतानी पड़ेंगी। तो फ्रॉम में मैंने जो भी चॉइसेस दी हैं, इसके साथ साथ मैंने टू में जो भी चॉइसेस दी हैं, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है मेरे गिवन अमाउंट से। अगेन ये वही स्टेटमेंट है जो अभी हम यहाँ पर प्रोवाइड आउट करते आ रहे हैं। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमेशा की तरह जो है वो कंसोल डॉट लॉग की यूटिलाइजेशन करेंगे। इन कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इन सारे पैरामीटर्स को कॉल करूंगी। अब इन पैरामीटर्स को जब भी हम कॉल करते हैं टेम्प, तो हम टेम्परेरी लेटर्स में कॉल करते हैं। टेम्परेरी लेटर्स में कॉल करते हुए मैं यहाँ पर एक लाइन लिखती हूँ, योर कन्वर्जन फ्रॉम, ठीक है, जो भी कोई मेरी फ्रॉम की वैल्यू होगी वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है मैं फ्रॉम के फंक्शन को कॉल कर लूंगी। फ्रॉम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, फिर मैंने टू का जो है क्या कहते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा। याद रखिएगा कि जो फ्रॉम येलो में लिखा है, टू जो येलो में लिखा है, ये स्ट्रिंग है। इसके बाद हमने दोबारा टेम्परेरी लेटर को कॉल किया एंड देन यहाँ पर आप बताइए कि इसमें हम ब्रैकेट्स में टेम्परेरी को कॉल करते हैं, तो मैंने टू में इसको कॉल कर लिया। और आखिर में हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को यहाँ पर जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसकी इक्वलाइजेशन के अंदर प्रोवाइड आउट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर हमारी कन्वर्जन जो है वो कंसीडर आउट हो जाएगी। मेरा लाइन नंबर 78 के अंदर एरर आ रहा है कन्वर्जन के अंदर, इसको आकर में देखते हैं। आई थिंक मैंने कन्वर्जन का सी कैपिटल लिखा है, आई डोंट नो, मैं ऊपर जाके प्रोग्राम में चेकआउट कर लूंगी कन्वर्जन का सी मैंने कैपिटल लिखा है या मैंने इसका सी कैपिटल नहीं लिखा, तो यही जो है आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक आउट होगी, तो मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। एनीवेज यहाँ तक हम आ गए। अब हमने क्या करना होगा, इफ़ी कंडीशन यूटिलाइज किए तो अप्रोक्सीमेटली साथ साथ एलसी कंडीशन भी यूटिलाइज करेंगे। एलसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर तो फ्रॉम टू दोनों जो है क्या कहते हैं ठीक हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर दोनों सही नहीं होते, मिसाल के तौर पर मैंने जो है जो अमाउंट दे दिया या मैं जो गिवन वैल्यू दे दी उसने गलती से कोई मेरे से स्ट्रिंग दब दिया, जैसे कि मैं अगर लिख रही थी 200 और मैंने लिख दिया 200A, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी कोई ना कोई चीज़
जनरेट होनी चाहिए ना 200A, तो ना कोई यूएसडी होते हैं, ना कोई पीकेआर होते हैं और ना ही कोई जीबीपी होते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर जनरेट एरर को भी डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि हमने ऐसी कमांड यूज ही करनी होती है इसके साथ, तो कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाते हैं, मैं यहाँ पर लिखवा दूंगी इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो हमारा जो भी इनवैलिड इनपुट होगा वो यहाँ पर कंसीडर आउट हो जाएगा। ओवरऑल मेरा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ उसे लाइन नंबर 78 के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम चेकआउट कर लेते हैं। हमने जहां पर कन्वर्जेंस डिक्लेयर किए हैं, तो वो कन्वर्जेंस मैंने कैपिटलाइज डिक्लेयर किए हैं या फिर मैंने जो है वो लोअर केस डिक्लेयर किए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 12 में लोअर केस डिक्लेयर किया था, मैं इसका कन्वर्जन कॉमेंट आउट करती हूँ एंड यहाँ पर भी मैं इसका कन्वर्जन कॉमेंट आउट करती हूँ। लेकिन स्टिल हमारी टाइपस्क्रिप्ट जो है वो रेड कलर में हो रही है, तो एक काम करते हैं, सेव करते हैं, अपने टर्मिनल में जाते हैं, हम जो है वो यहाँ से एक अदद सीएमटी को क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल टीएससी करती हूँ और टीएससी करने पे इसने मुझे बताया कि कन्वर्जन रेट के अंदर यहाँ पर मेरा एरर है, और एरर इसने क्या चीज मुझे बताई है, ये है TS7053, जिसके अंदर हमने क्या किया है। अच्छा, मैंने कहीं पर जो है वो पी के आर की जगह जो है वो कोई चीज मेंशन आउट कर दी है जो कि डिक्लेयर्ड नहीं हुई है एज अ नंबर, ठीक है। अच्छा, पी के आर को चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पर पी के आर है, यहाँ पर पी के आर है, ओके, हियर इज द मिस्टेक। लाइन नंबर 23 के अंदर हमने पी के आर लिखना था, तो प्रोग्राम जो है वो आप देखो हमारा परफेक्ट हो गया। तो कभी कभी हो जाता है लिखने में, बाकी का जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीट आउट है, यहाँ पर जो कन्वर्जन रेट था वो भी मेरा ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सेव करेंगे एंड इसको मैं जो है वो स्मॉलर करती हूँ ताकि हम आपको टर्मिनल में इसका आउटपुट दिखा सकें। तो एक नए टर्मिनल में आते हैं, नए टर्मिनल में आने के बाद अपनी सीएमडी को ओपन अप करते हैं। सीएमडी ओपन अप कर हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे टीएससी। टीएससी टाइप करने के बाद आपने सिंपल नोड मेन डॉट जेएस करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं सिलेक्ट योर करेंसी, हमने पीक्यूआर सिलेक्ट करना है, आपने यूएसडी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने जीबीपी सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूएसडी को सिलेक्ट करते हैं और यूएसडी से सेलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि आप अपना करेंसी कन्वर्जन रेट जो यहाँ पर होगा वो चूज करो कि यूएसडी को आपने किस चीज में शिफ्ट करना है, यूएसडी टू यूएसडी, यूएसडी टू पीकेआर और यूएसडी टू जीबीसी। तो हम पीकेआर में चेक आउट करते हैं, उससे अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट में सिंपल 1 USD लिखती हूँ। यू कैन इजिली सी ये कह रहा है कन्वर्जन फ्रॉम यूएसडी टू पीकेआर इज 277.58। तो हम इस तरीके से जो है वो बाकी की कन्वर्जन को भी कंप्लीट करते हैं। और हम आपको जो है वो एरर भी जो है वो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि जो हमने एरर डिक्लेयर किया था वो अगर यहाँ पर आ रहा हो तो किस तरीके से हम डिक्लेयर आउट कर सकते हैं। आपके बार मैं पीकेआर सेलेक्ट करती हूँ, पीकेआर को मैं जीबीपी के अंदर जो है वो सर्च आउट करती हूँ, यहाँ पर मैं 1 लिखती हूँ, तो कह रहा है योर कन्वर्जन फ्रॉम पीकेआर टू जीबीपी इज 0.0037। तो दोनों चीजें जो है वो मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट मैच करी है। अब हमने जो एरर की कमांड डिक्लेयर की है ना यहाँ पे, हम जरा उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल टीएससी करते हैं, टीएससी करने के बाद मैं यहाँ पर नोड मेन डॉट जेएस करती हूँ एंड अब मुझसे करेंसी पूछ रहा है, तो पीकेआर सेलेक्ट करते हैं, यूएसडी में सेलेक्ट करते हैं, मुझसे अमाउंट पूछ रहा है। मैं यहाँ पर 12A का अमाउंट जो है वो इसको डिक्लेयर कर देती हूँ, 12AERD अमाउंट मैंने इसको डिक्लेयर किया और मैं इसको एंटर करती हूँ। तो नाउ यू कैन इजीली सी इट सेज इनवैलिड इनपुट, क्योंकि क्या नंबर के साथ जो है वो मैंने यहाँ पर अल्फाबेट्स का भी डिक्लेरेशन कर दिया था। तो इस तरीके से जो हमारा करेंसी कन्वर्टर का प्रोग्राम है वो यहाँ पर कम्प्लीट आउट होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपने प्रीवियस कोई भी प्रोजेक्ट को मिस आउट किया है तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि इन्हें लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी कोई वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।